असीम सजात की जो पुलिस प्रशासन के द्वारा मौत बताया जा रहा है, दुर्घटना बताया जा रहा है, वो तो निर्मम हत्या है। आज पुलिस प्रशासन जो है कि पूरे गढ़वा जिला में नंगा नाच कर रही है, बालू का खनन जो है कि पकड़ने के नाम पर बेकसूर लोगों को पकड़ फंसा रही है। आज जो है कि प्रत्येक थाना प्रभारी जो है कि गाड़ियों पर जो है कि कमीशन बांध दिए हैं कि 25,000 लेंगे, 50,000 लेंगे और गाड़ी चलवा रहे हैं। तो डीआईजी, डीजीपी और आईजी से भी जो है कि हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बात करेंगे और इस पर जो है कि उनकी पूरी पैनी निगाह है। और कल रात हमें हैदराबाद से खबर मिला कि आप जाके धुरकी का जो है मामला, धुरकी में मृतक युवक के घर पहुंचे AIMIM के प्रदेश सदस्यता अभियान प्रभारी, कहा दोषी पुलिस निरीक्षक पर हो कार्रवाई। धुरकी में वसीम सज्जाद की पुलिस निरीक्षक की पिटाई से मौत के आरोप के बाद बुधवार को AIMIM के प्रदेश सदस्यता अभियान प्रभारी डॉक्टर MN खान मृतक युवक वसीम सज्जाद के घर पहुंचकर उसके पिता व परिजनों से मिलकर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा युवक वसीम सज्जाद को पकड़कर निर्मम पिटाई करने के आरोप से पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी पुलिस निरीक्षक पर FIR होने के बाद अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होना, यह बहुत ही दुखद है। उन्होंने कहा कि AIMIM प्रमुख बैरिस्टर अवैसुद्दीन साहब तक युवक की मौत की जानकारी हो गई है। उन्होंने बताया कि उन्हीं के निर्देश पर वह धुरकी में पुलिस की पिटाई से मौत हुई युवक के घर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि मृतक युवक के पिता और परिजनों से सभी प्रकार की जानकारी उन्होंने प्राप्त कर लिया है और वह यहां से जाने के बाद मृतक वसीम सज्जाद की मौत की सारी जानकारी बैरिस्टर साहब को देंगे। इस दौरान जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार रजक, युवा जिलाध्यक्ष मुजाहिम अंसारी, जिला उपाध्यक्ष इफ्तिखार आलम, रंका प्रखंड युवा अध्यक्ष इब्रान अंसारी, सोशल मीडिया प्रभारी मजहर हुसैन, हैसियत रजा सहित मृतक युवक के सभी परिजन मौजूद थे। वसीम सजाद की जो पुलिस प्रशासन के द्वारा मौत बताया जा रहा है, दुर्घटना बताया जा रहा है, वो तो निर्मम हत्या है और इसके अगेंस्ट में इनके परिजन के द्वारा जो FIR दर्ज कराया गया है, तत्काल प्रभाव से जो है कि गढ़वा SP साहब को जो है कि चाहिए कि उनको जो अभियुक्त हैं उन पर जो है कि कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित कर दें और सही जांच करें। पुलिस प्रशासन का काम है कि किसी भी अपराधी को या कोई भी मुजरिम को पकड़े तो उसका सजा देने का काम न्यायालय का है, माननीय न्यायालय उसको सजा देगी। पुलिस प्रशासन किसी का हत्या करने के लिए नहीं बैठा है। आज अभी एक महीना पहले का भी एक घटना है कि छोटे लाल भुइयां डंडई थाना से जो है कि उसको उठा के और पुलिस प्रशासन के द्वारा मारा गया तो उसको पेशाब के रास्ते से जो है कि ब्लड आने लगा था, पेशाब जो है कि यूरिन ब्लडर जो है कि उसमें रैप्चर हो गया था। आज पुलिस प्रशासन जो है कि पूरे गढ़वा जिला में नंगा नाच कर रही है, बालू का खनन जो है कि पकड़ने के नाम पर बेकसूर लोगों को पकड़ फंसा रही है। आज जो है कि प्रत्येक थाना प्रभारी जो है कि गाड़ियों पर जो है कि कमीशन बांध दिए हैं कि 25,000 लेंगे, 50,000 लेंगे और गाड़ी चलवा रहे हैं। तो आला अधिकारियों के नाम पर SP और DSP के नाम पर पैसा उगाही कर रहे हैं। तो इससे तो प्रतीत होता है कि अगर इसके ऊपर थाना प्रभारी के ऊपर अगर SP और DSP अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब संलिप्तता है। इस पर DIG, DGP और IG से भी जो है कि हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बात करेंगे और इस पर जो है कि उनकी पूरी पैनी निगाह है। और कल रात हमें हैदराबाद से खबर मिला कि आप जाके धुरकी का जो है मामला को देखिए और उनके परिजनों से मिलिए और मिलने के बाद जो सही बात है वो हम लोगों तक जो है पहुंचाने का काम कीजिए। पुलिस प्रशासन का जो रवैया है बिल्कुल ढूंढ-मुंड रवैया है और ये बचाने का काम कर रहे हैं थाना प्रभारी को। आप यदि अगर मतलब कि कोई अपराधी था, अभी मानते हैं कि अगर कोई अपराधी था तो आप हत्या नहीं कर सकते हैं, आप माननीय न्यायालय में ले जाकर उसको प्रस्तुत करते हैं, माननीय न्यायालय जो उसको सजा देती वो सर सब कोई मानता सर्वोपरि है।